बिहार के बिहाटा में कुछ लोगों द्वारा रेल की टैंकर से तेल चुराते हुए देखा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोगों को रेल के तेल चोरी करते हुए देखा गया है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। वीडियो से लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह घटना बिहाटा के एक ब्रिज पर घटी है जब जहां से रेल टैंकर गुजर रही थी। बिहार में इस तरह की चोरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रेल के इंजन, लोहे के ब्रिज आदि की चोरी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखा गया है कि एक ब्रिज से एक रेल टैंकर गुजर रही है जिसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। ऐसे में कुछ लोग बाल्टी लगाकर टैंकर से तेल निकालते हुए देखे गए हैं। वीडियो में एक दो नहीं बल्कि भारी संख्या में लोगों को तेल चोरी करते हुए देखा गया है। यह नहीं, कुछ लोग बाल्टी लेकर लाइन भी लगाते हुए देखे गए हैं और टैंकर के पास से दौड़ते हुए देखे गए हैं। लोग बाल्टी को लेकर टैंकर से सटे हुए हैं जिससे उनके साथ दुर्घटना भी घट सकती थी। ऐसे में इस बात का अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है कि लोगों ने टैंकर की चाबी खुद खोलकर तेल निकाला है कि टैंकर पहले ही से खुला है। जानकारी के अनुसार यह घटना पटना के एक प्रशासनिक उपमंडल बिहाटा के एक ब्रिज पर घटी है। बताया जा रहा है कि यह रेल टैंकर भरी तेल के टैंकर को लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल डिम्पो में जा रही थी तभी यह घटना घटी है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब बिहार में इस तरीके से चोरी हुई है। इससे पहले बिहार के बांका जिले में रजौन प्रखंड के सलो से इस्तेमाल होने वाली 2 किलोमीटर रोड की चोरी कर ली गई थी और उसे जोत कर बीज बो दिए गए थे। यह नहीं, इससे पहले बिहार के बेगूसराय में रेलवे यार्ड से पूरे इंजन चुरा लेने की खबर सामने आई थी और इससे पहले सालों से प्रयोग किया जा रहा है कि लोहे के पुल की भी चोरी खबर सामने आई थी। दूसरा 300 का डाना फुल करा दो।